हेलो दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ दिव्या हेल्पिंग गाइड में। अगर आपकी डिलीवरी के लिए आप हॉस्पिटल जा रही हैं तो बैग में ज़रूर रख लें काम की ये 11 चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई है और आप मैटरनिटी बैग तैयार कर रही हैं तो उस गलती से भी ये 11 जो सामान है रखना बिल्कुल भी ना भूलें। हॉस्पिटल के लिए जाते समय ध्यान रहे कि आपका मैटरनिटी बैग आपके साथ हो, इसे सही तरीके से पैक करें और ध्यान रखें कि फैशनेबल चीज़ें घर पर ही छोड़ दें, ठीक है, ताकि ज़रूरत की चीज़ें आप बैग में रखना ना भूलें। क्या आप जानती हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो जो मैटरनिटी बैग में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आपको डिलीवरी के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है और बहुत सी काम की चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। मैटरनिटी बैग में गलती से भी मेडिकल रिपोर्ट रखना ना भूलें। आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकती हैं, इसलिए जब भी अपनी अंतिम जाँच करा कर आएं तब ये सब चीज़ें पहले से ही अपने मैटरनिटी बैग में रख दें। जब आपकी डिलीवरी का समय आता है ना, तो यकीन मानिए कि आप इतनी जल्दी में होती हैं कि आप इनमें से कुछ भी चीज़ें जो हैं भूलना बहुत ही स्वाभाविक होता है। बहुत ही आसानी से बहुत सारी काम की चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपना बैग पैक करना और है। साथ ही आपको अपनी अच्छी ब्रा का भी चुनाव कर लेना चाहिए। अपने लिए मैटरनिटी बैग में रखें, जिससे कि यदि लगातार दूध निकल रहा हो तो आप असहज महसूस ना करें। इस बात में कोई आशंका नहीं है कि इस टाइम में आपको एक्स्ट्रा अंडरवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंडरवेयर का इस्तेमाल करके इसको फेंकना पड़े, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एक या दो अंडरवेयर अलग से रख लें और सुनिश्चित करें कि वह आपके नियमित आकार से कुछ बड़े आकार में ही होने चाहिए। हालांकि आपको ये चीज़ें वैसे तो हॉस्पिटल में ही सैनिटरी पैक, नैपकिन मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने मैटरनिटी बैग में सैनिटरी नैपकिन रख लेना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, कभी कभी साइज़ का नहीं मिल पाता है। ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई थी, साइज़ की नहीं मिला था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हैंड टू हैंड चीज़ें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें इसलिए पहले से अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए, ठीक है। भूलना नहीं चाहिए ये चीज़, और थोड़ा सा साइज़ जो है वो आपको बड़ा ही रखना है। जो साइज़ आप पहनते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गाउन्स, ठीक है। गाउन्स और नाइटी रखना भी ना भूलें। पहनने के लिए कुछ आरामदायक गाउन्स और नाइटीज़ रख लें। हालांकि आजकल यह आपको हॉस्पिटल से भी मिल जाते हैं, लेकिन एक जोड़ी आप भी रख लें, ताकि ये कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, इस कारण से आपको कपड़े दूसरे चेंज करने होते हैं। तो एक जोड़ी ऐसे भी रख लें जो कि आपके डिलीवरी के बाद घर जाने के लिए भी आप उसको पहन सकें। आजकल डिलीवरी के बाद पहनने के लिए बेहद ही आरामदायक गाउन्स आते हैं, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी आराम से कराई जा सकती है। अब बात करते हैं डायपर की। देखिए, डायपर जो है, डायपर भी रखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यदि हो सके तो डायपर्स का एक बड़ा पैकेट ही रख लें, क्योंकि नवजात के लिए रात और दिन हर समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। डायपर के स्किन पर पड़ने पर वाले असर की वजह से यदि आप डायपर इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो दादी या फिर नानी वगैरह की मदद लेकर आप घर में ही सिली हुई कॉटन की नैपकिन कैरी कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जुराबे और दस्ताने रखना भी ना भूलें। नवजात शिशु के पैरों और हाथों के लिए जुराबे और दस्ताने रखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कुछ कॉटन की नरम चादरें भी रखना चाहिए। आप अपने लिए भी आप थोड़ा बहुत जुराबे वगैरह रख सकते हैं, एक दो जोड़ी, क्योंकि आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लोशन की। लोशन और लिप बाम आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में होंठ जो है बहुत ज़्यादा सूखे से हो जाते हैं। आपकी स्किन और होंठ रूखे होने पर आप लोशन लिप बाम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और मैटरनिटी बैग में लोशन और लिप बाम कैरी कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिलीवरी आपकी जब डिलीवरी डेट आ जाती है उससे पहले ही आपको अपना बैग जो है तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि एंड टाइम पे आपको कोई भी चीज़ आप भूल ना जाए और कोई भी चीज़ गलती से रह ना जाए, ठीक है। क्योंकि फिर हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें रख लेना है। तो ये थी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।